गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग परम्यूटेशन का थ्योरी कंप्लीट किए हुए थे और कुछ एग्जांपल देखे हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 5A, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2NP3 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ NP2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2NP3 दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ NP2, फाइंड वैल्यू ऑफ N। वैल्यू किसका निकालना है? एन का। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन देखे हुए थे, जैसे यहाँ 100 के जगह वहाँ पे क्या दिया था 20, इधर भी इधर दिया था NP3 और इधर लिखा हुआ था इधर NP5 था, इधर NP3 था। यहाँ पे क्या है 2NP3 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ NP2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस LHS में 2N फैक्टोरियल बाई 2N-3 का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ N फैक्टोरियल बाई N-2 का फैक्टोरियल। तो ये N-2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, N फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या लिखेंगे 2N फैक्टोरियल बाई 2N-3 का फैक्टोरियल इंटू N-2 का फैक्टोरियल बाई N फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 100। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों में ज़्यादा कौन है 2N फैक्टोरियल और ये दोनों में ज़्यादा कौन है N फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ब्रेक होगा 2N फैक्टोरियल और यहाँ पे ब्रेक होगा N फैक्टोरियल, तो देखिए क्या बनेगा। यह लिख सकते कितना 2N-2N into 2N-1 into 2N-2 into 2N-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2N-3 का फैक्टोरियल, और इंटू में कितना है, इंटू में है N-2 का फैक्टोरियल बाय N फैक्टोरियल इक्वल टू 100, इक्वल टू 100। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को ब्रेक करेंगे, इसके बाद सेकेंड पार्ट को ब्रेक करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2N-3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 2 और ये 2 मिल के क्या बन जाएगा 4N इंटू कितना 2N-1 इंटू कितना N-1 और ऊपर में क्या रह गया N-2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय N फैक्टोरियल जो है इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो N into N-1 into N-2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 100। तो अगर N-2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, An से ये बाहर का N कैंसिल होगा तो क्या, और N-1 से N-1 का टर्म कैंसिल होगा, तो क्या रिजल्ट रह गया, 4 into 2N-1 दिस इज इक्वल टू 100। 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम में, तो 2N-1 दिस इज इक्वल टू 25, नाउ 2N इक्वल टू 26,
सो एन इक्वल टू 13, एन इज इक्वल टू 13। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, इसलिए हम 2 छोड़ देते, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है कि रेशियो में दिया हुआ है, 3 में जो क्वेश्चन है वो किस में दिया हुआ है, रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या कि इफ एन पी फाइव टू रेशियो एन पी थ्री, एन पी फाइव, एन पी फाइव टू रेशियो एन पी थ्री इज इक्वल टू 2:1, फाइंड एन। क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है। एन पी फाइव टू रेशियो एन पी थ्री इज इक्वल टू 2:1। तो देखिए, रेशियो कहने का मतलब डिवाइड, रेशियो कहने का मतलब डिवाइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, रेशियो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2:1। अब इस रेशियो को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से ये एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये जो सबसे नीचे टर्म है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो क्या रिजल्ट बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, रिजल्ट क्या बनेगा, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 2:1। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ होगा एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल बाई एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2:1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, एन पी फाइव रेशियो एन पी थ्री इज इक्वल टू 2:1 था, 2:1 एन माइनस थ्री। नाउ देख सकते हैं यहाँ पे एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू 2:1 कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे कि एन माइनस थ्री को कितना से इक्वेट करेंगे, 2 से, तो n माइनस थ्री इक्वल टू 2, तो देयर फोर एन इक्वल टू 5। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कर रहा है कि इफ 10 पी एन माइनस 1 टू रेशियो 11 पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 30:11, फाइंड एन। क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो थोड़ा सिंपल है उसे आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें कि इफ 10 पी एन माइनस 1 10 पी एन माइनस 1 टू रेशियो
एलेवन पी एन माइनस टू, एलेवन पी एन माइनस टू इज इक्वल टू थर्टी रेशियो एलेवन, थर्टी रेशियो एलेवन फाइंड करना है किसका वैल्यू, एन का वैल्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट अभी हम लोग जो रेशियो को डिवाइड करके लिख रहे थे ऐसे लिख सकते हैं, टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टेन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एलेवन फैक्टोरियल बाय एलेवन माइनस एन प्लस टू फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू थर्टी बाय एलेवन। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन फैक्टोरियल टेन प्लस वन एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एलेवन फैक्टोरियल एलेवन प्लस टू थर्टीन माइनस एन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू थर्टी बाई एलेवन, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ जो डिवाइड का टर्म्स आ रहा है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो सबसे नीचे का जो टर्म है, सबसे नीचे का जो टर्म है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे का जो टर्म है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, टेन फैक्टोरियल बाय एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू थर्टीन माइनस एन फैक्टोरियल बाय एलेवन फैक्टोरियल इक्वल टू थर्टी बाई एलेवन। ये दोनों में एलेवन फैक्टोरियल ब्रेक होगा और ये दोनों में थर्टीन माइनस एन फैक्टोरियल ब्रेक होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन फैक्टोरियल बाई एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू थर्टीन माइनस एन इंटू ट्वेल्व माइनस एन इंटू एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल बाई एलेवन इंटू टेन फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू थर्टी बाई एलेवन। यहाँ से टेन फैक्टोरियल कटेगा और इधर एलेवन कटेगा, इधर एलेवन माइनस एन फैक्टोरियल कटेगा, तो क्या रिजल्ट आ गया, थर्टीन माइनस एन इंटू ट्वेल्व माइनस एन, दिस इज इक्वल टू जो यहाँ पे थर्टी बच रहा है उसको क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू फाइव, जो बड़ा वैल्यू उसको बड़े वैल्यू से इक्वेट कर सकते हैं, यानी कितना, थर्टीन माइनस एन, थर्टीन माइनस एन दिस इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर एन इज इक्वल टू थर्टीन माइनस सिक्स, सॉरी एन इज इक्वल टू थर्टीन माइनस सिक्स तो सेवन, यानी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेवन। पिछले एक लेक्चर में हम लोग आर का वैल्यू निकालने के लिए देखे हुए थे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं, सिक्स में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, सिक्स में कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू निकालना है, क्या दिया हुआ है, ट्वेंटी पी आर, ट्वेंटी पी आर इज इक्वल टू सिक्स एट फोर जीरो, सिक्स एट फोर जीरो। तो जस्ट इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा, ट्वेंटी फैक्टोरियल बाई ट्वेंटी माइनस आर का फैक्टोरियल, क्यों, कि आपको पता है कि एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, सिक्स एट फोर जीरो। अब जो सिक्स एट फोर जीरो है उसको इधर ले आएंगे और ट्वेंटी माइनस आर फैक्टोरियल को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
6840 इज इक्वल टू 20 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हम लोग 20 फैक्टर को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6840 दिस इज इक्वल टू 20 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए पहले एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ए टू से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो टू से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3 4 2। अब देखिए कितना से कटेगा, 18 और 19 को अगर गुना कर देते हैं तो 3 4 2 आ सकता है। 18 और 19 को अगर गुना करेंगे क्योंकि देखिए 8 इंटू 9 8 72 होता है तो 72 का 2 यहाँ पे आ रहा है 7, इधर 9 और इधर 8 8 और 7 8 और 9 17 और 7 50 17 और 7 24 टू रह जाएगा तो 1 1 एंड 2 1 1 एंड 2 3 तो 18 और 19 से 342 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट आ चुका है 17 इंटू 16 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 20 माइनस आर फैक्टोरियल एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस आर फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 17 फैक्टोरियल। दोनों साइड से फैक्टोरियल हटेगा तो 20 माइनस आर इक्वल टू 17 एंड देयरफॉर आर इक्वल टू 20 माइनस 17 एंड आर इक्वल टू 3। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इफ एम प्लस एन पी टू दिस इज इक्वल टू 90 एंड एम माइनस एन पी टू दिस इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन में क्या कह रहा है कि एम प्लस एन पी टू दिस इज इक्वल टू 90 एंड एम माइनस एन पी टू दिस इज इक्वल टू 30 देन फाइंड एम एंड एन। तो किसका वैल्यू निकालना है, एम का और एन का, तो यहाँ लिख सकते हैं इसका एम प्लस एन पी टू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 90। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए ये दोनों में ब्रेक कौन होगा, एम प्लस एन ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे एम प्लस एन में ऑलरेडी टू लेस हो चुका है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस टू फैक्टोरियल बाय एम प्लस एन माइनस टू का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 90। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यानी कितना, एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9। यानी कि कंपेयर करेंगे तो एम प्लस एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ये मान लेते हैं इक्वेशन वन, एम प्लस एन का वैल्यू कितना आ गया, 10। नाउ जो सेकेंड पार्ट है एम माइनस एन फैक्टोरियल बाय कितना, एम माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल, उसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एम माइनस एन फैक्टोरियल, एम माइनस एन फैक्टोरियल बाय कितना है, एम माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल।
दिस इज इक्वल टू कितना 30। तो इसको लिख सकते हैं एम माइनस एन, एम माइनस एन माइनस वन, एम माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल बाय कितना एम माइनस एन माइनस टू इज इक्वल टू 30। तो ये एम माइनस एन माइनस टू, एम माइनस एन माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे एम माइनस एन, एम माइनस एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 ऐसा लिखेंगे। अब इसको इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करेंगे क्या आएगा एम माइनस एन दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हुआ कितना एम प्लस एन बराबर 10, सेकेंड इक्वेशन हो गया एम माइनस एन बराबर 6। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था एम का और एन का, वैल्यू निकालना था एम का और एन का, तो लिखेंगे सॉल्विंग सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एम प्लस एन बराबर 10 और एम माइनस एन बराबर 6, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करें तो एन और एन कैंसिल, 2m इक्वल टू 16, नाउ m इक्वल टू 8, m का वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया, एंड देयरफॉर n बराबर 10 माइनस 8 यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, उसे आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बुक्स, फाइंड ऑल्सो द परमुटेशन ऑफ द बुक्स सिलेक्टेड। क्या कह रहा है कि 6 बुक में 4 किताब को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे कि जब भी हम लोग सिलेक्शन का बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन लगता है, इन केस ऑफ सिलेक्शन, इन केस ऑफ सिलेक्शन, तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है और उसको डिनोटिंग साइन क्या होता है एनसीआर, और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ टोटल बुक्स कितने हैं, टोटल बुक्स की संख्या 6, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बुक कितने हैं 4, नंबर ऑफ सिलेक्टेड बुक्स कितने बुक्स को सिलेक्ट करना है 4 बुक्स को सिलेक्ट करना है, तो पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 6C4, पॉसिबल सिलेक्शन कितने हो जाएंगे 6C4। अब 6C4 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो रिजल्ट क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कितना होगा 6 इंटू 5 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 15। तो टोटल
15 तरीके से बुक्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 तरीके से बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है कि जो बुक सिलेक्टेड होगा, जो बुक सिलेक्टेड होगा उसको क्या करना है, उसको अरेंज भी करना है, उसको अरेंज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट नोट में, नोट में क्या, इफ टोटल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आर, देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन, पॉसिबल सिलेक्शन दिस इज इक्वल टू एन सी आर, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड बुक, ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। क्योंकि जितने बुक हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतने ही बुक का क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जितने बुक हम लोग सिलेक्ट करेंगे उतने ही बुक को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। इसलिए उस केस में उसका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि टोटल बुक का सिलेक्शन कितने तरीके से हुआ, सिलेक्शन चार बुक का सिलेक्शन कितने तरीके से हुआ, 15 तरीके से हुआ, 15 तरीके से हुआ। तो उन चारों बुक, जो बुक सिलेक्ट हुआ है उसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, या लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड बुक, ऑफ सिलेक्टेड बुक इज इक्वल टू 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6C4 का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 15 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख सकते हैं 15 इंटू 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 4 3 12 इंटू 24। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 24 इंटू 15, तो 5 इंटू 4 20, 0 2 एंड 10 एंड 4 14 एंड 2 16 का 6 2 एंड 1 3, यानी टोटल अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड बुक कितने हो जाएंगे, 360 तरीके से टोटल अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये दो क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।